ये देखिए ये फाइनल जाना थोड़ा सुंदर लग रही सुंदर है ये तो सुंदर लग रही नहीं तो फेस पे क्या अलग लग रहा है अंदर में खाइए अंदर में खा के सुंदर बनी है तो बाहरी सुंदरता से नहीं होगा बस के खाइए टाइमली अब देखो मोटी नहीं होंगी तो क्या होंगी ऐसा हसमेंट जिस करेगा मैं स्किन के लिए पूछ रही हूँ कि स्किन मेरा थोड़ा साफ खाना हो गया आपका खाना अभी नहीं हुआ मैं स्किन के लिए पूछ रही हूँ क्या बोल रहे हैं और ये देखिए इसका रिजल्ट कितना इफेक्टिव है ना कितना क्लीन क्लियर लग रहा है मेरा स्किन ये मैं पहले भी यूज की हूँ मैं जानती हूँ इसका इफेक्टिव होता ही है अपना फिटनेस उतार रहे थे बहुत दुखी हो गए थे ना हमसे 1000 रुपया ले लिया पुलिस इसलिए अपने दुख को कम कर रहे थे खा खा के हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आप लोग कैसे हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आज का वीडियो मैं इस तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ मेरा फेस देखो मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि ये पूरा टाइट हो रहा है और मुझे बोलना चाहिए भी नहीं था ये फेस मास्क लगा के क्योंकि मैं ऑनलाइन लगाई हूँ मतलब ऐसा नहीं कि घर में लगाई हूँ ऑफ कैमरा ऑन कैमरा लगाई हूँ और वीडियो भी स्टार्ट है तो बोलना तो मुझे पड़ेगा ही तो इसलिए मैं बोल रही वरना ये लगाने के बाद नहीं बोलना चाहिए और देख रहे हो पूरा टाइट हो रखा है यहाँ पर देख रहे हो कैसा हो रखा है पूरा टाइट हो रहा है तो अभी अभी मैंने अपने फेस पे एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छा और इजी है फेस मास्क अप्लाई की हूँ और इसका जो प्रॉपर वीडियो है ये मैंने अलग से बहुत पहले अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है तो मैं कैसे बनाई हूँ कैसे क्या अप्लाई की हूँ सब कुछ मैंने शूट किया है तो वो आप लोग देख लो अभी बहुत ही इफ़ेक्टिव है वीक में अगर 2 दिन करोगे ना लेकिन कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा ये नहीं कि किया फिर 1 महीना छोड़ दिया फिर कभी भी कर लेंगे 1-2 महीने बाद तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप कंटिन्यू करते हो मतलब वीक में 2 बार तो आपका फेस रियली में सच में टाइट हो जाएगा मतलब इतना डल लटकने सा लगता है मेरा भी है अभी थोड़ा मेरा भी थोड़ा लूज होता जा रहा है स्किन तो इसलिए मैं ये वाला अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये वाकई में काम करता है मैं ऐसा अप्लाई की हूँ मैं सोची चलो वीडियो ही एक शूट कर लेती हूँ वैसे मेरा ये वाला वीडियो है एक प्रॉपर अलग से तो ये मैंने अप्लाई किया है और जैसे जैसे सूख रहा है ना ब्लैक ब्लैक होते जा रहा है क्योंकि इसमें पोटैटो भी था आलू था तो आलू तो जब सूखता है तो काला होने लगता है एंड एग है इसमें तो जिस वजह से पूरा टाइट हो रखा है देख पा रहे हैं पूरा टाइट हो रखा है और जैसे जैसे अभी सूखेगा ना फेस मेरा इतना भयानक लगेगा ना लगेगा जैसे जल गया है थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद और ज़्यादा टाइट हो जाएगा एंड दिन लगेगा कि सर जल गया है इस तरीके से हो जाता है तो ये बहुत इफेक्टिव मास्क है आप लोग भी अप्लाई करिएगा एंड आप लोगों पहले आप देख लो कि मैं कैसे बनाई हूँ देन फिर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ कंटिन्यू करती हूँ पहले देख अच्छा तो इस मास्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 आलू एंड 1 अंडा एक बस 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है अब इस आलू को मैंने अच्छे से पील कर लिया है मतलब वॉश भी कर लिया है एंड पील भी कर लिया है अब इसको ग्रेट कर लेना है इस तरीके से इसके बाद हमने क्या करना है ये जो ग्रेटेड आलू है ना इसका हमने जूस निकाल लेना है ठीक है या तो छन्ना से छान लीजिए या तो कपड़े से या फिर हाथ से भी अगर हो सके तो इसका हम जूस निकाल के रख लेंगे अच्छा तो ये आलू का जूस जो है हमने निकाल लिया है एंड इतना ही जूस निकला है सफिशियंट है बट तो चलिए हमारा जूस निकल गया है एंड अब हमने क्या करना है ना इस एग को पूरा यूज नहीं करना है इसका वाइट पार्ट ही हमें यूज करना है योक नहीं यूज करना है तो इस तरीके से इसको हम तोड़ेंगे चाकू का इस नोक से तोड़ेंगे थोड़ा सा यहाँ पे तोड़ेंगे जो ये थोड़ा सा फटे एंड इसका सिर्फ वाइट पार्ट ही हमें मिले तो हो गया इतना ही मैंने इसको तोड़ दिया है एंड अब इसको हमें ऐसे निकालना है जिससे सिर्फ इसका वाइट पार्ट आए योक ना आए थोड़ा सा धीरे धीरे करके इस तरीके से निकालेंगे ना सिर्फ वाइट पार्ट ही आएगा इसका दिख रहा है सिर्फ वाइट पार्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा नहीं चाहिए हमें 1/2 चम्मच भी मिल जाएगा तो हो जाएगा ये रहा देखिए कैसे निकल रहा है तो बस अब हमें और नहीं चाहिए काफ़ी निकल गया है तो हम इसको रहने देते हैं बस इतना ही चाहिए हो गया बस एक का ऑमलेट बना के खाना है ठीक है और अब इस जूस को हमने क्या करना है ना अच्छे से फेंट लेना है मिक्स कर लेना है अच्छा तो हमारा जो मास्क है ये बहुत इफेक्टिव मास्क है तो ये हमारा रेडी हो चुका है अब हम अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लेंगे एंड मेरे फेस पे अभी कोई मेकअप नहीं है लग रहा होगा वीडियो में अभी ऐसा मत बोला कि झूठ बोल रही है मेकअप लगा के ही है ये वाला मास्क जो है सिर्फ कोई भी मास्क हो
फेस पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, काजल लिपस्टिक के अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी ये ना सोचे कोई कि मैं फिर से झूठ बोल रही हूँ, लास्ट वीडियो पे मेरे कमेंट आए थे कि मैं पब्लिकली झूठ बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगी ना, एक कॉटन ले रही हूँ, ठीक है। मेरे फेस पे पसीना एंड काजल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब मेकअप कॉस्मेटिक्स नहीं है, काजल वगैरह है। तो इसको मैं अभी ना थोड़ा सा और क्लीन करके दिखा देती हूँ कि मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है। मेकअप होता तो तुरंत डिफरेंस पता चलता, देखो यहाँ पे सेम लग रहा है ना, दिखाती हूँ, कोई मेकअप नहीं है, पूरा अच्छे से फेस को पोंछ लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ। चलिए अच्छे से मैंने पूरे फेस को पोंछ लिया है, एंड अब इसको मैं दिखाती हूँ। देखो मेकअप रहेगा तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा मेकअप से, है ना। एंड सबसे पहले तो मेरा फेस वाइट करते ही कुछ और निकल आता, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेकअप नहीं है। तो अब इस मास्क को हम हाथ से भी लगा सकते हैं, फिंगर से भी, बट इसमें एक है ना तो बहुत फिसलता है, मतलब गिरने लगता है, या तो ब्रश लगा लो तो हाथ से लगा लो। मैं ब्रश से ही लगा लेती हूँ, ब्रश ना हो तो हाथ से भी ईजिली लग जाता है। इसको पूरे फेस पे हमने अप्लाई कर लेना है। इसको बनाए हुए 2 मिनट हो गए ना, तो आलू का जो जूस होता है ना बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो गया ये आलू का जूस, थोड़ा देर हो जाने से हो जाता है। इसको हमने अप्लाई कर लेना है। अच्छा, तो इसको हमने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, इसको सूखने देंगे, 5-10 मिनट में सूख जाएगा। ये अप्लाई करने के बाद बात नहीं करना होता, जब ड्राई होने लगता है ना तो बहुत ज़्यादा स्क्रैच तो खींचता है स्किन, तो इसलिए लगाने के बाद या अप्लाई करने के बाद बातचीत नहीं करना होता है। तो बस 10-15 मिनट वेट करूँगी, देन उसके बाद फिर इसको वाइप करूँगी, वॉश करूँगी। अच्छा, तो आप लोगों ने देख लिया कि ये वाला मास्क मैंने कैसे बनाया, कैसे अप्लाई किया, बहुत इफेक्टिव मास्क है, बहुत अच्छा है। मैं पहले भी इसका वीडियो देख चुकी हूँ। तो ये अप्लाई करने के बाद ना बात नहीं करना चाहिए, बट मेरी मजबूरी है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और ऊपर से आज क्या है ना कि आज पहले आ जाती फिर बात करती हूँ। कैसा लग रहा फेस? बहुत बड़े देख रहे हो, कैसा भयानक लग रहा है। और जब इसको वॉश करेंगे ना तो मैजिक हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्लीन हो जाता है। आलू तो जानती है, आलू से तो वैसे भी आप ये सब ना करो, सिर्फ आलू का जूस निकाल के आप थोड़ा सा ऐसे लगाओगे ना आप फेस पे, तो जितने भी दाग धब्बे और कैसे, आलू तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, सब लोग जानते हैं। तो क्या बोल रही थी, आज है सैटरडे, और सैटरडे वाले दिन जो है ना मेरे हस्बैंड घर में लंच करते हैं, चाहे जितना भी लेट हो जाए, शाम हो जाए, चाहे जो हो जाए, वो घर में आके लंच करते हैं, बाहर नहीं करते। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मास्क लगाने के बावजूद भी मुझे बोलना पड़ रहा है एंड खाना बनाना पड़ रहा है। वैसे खाना मेरा बन गया, आधा बन गया, आधा बचा हुआ है। तो मैं जानबूझ के सैटरडे वाले दिन थोड़ा देर से ही बनाती हूँ, ताकि हस्बैंड आए ना तो उनको थोड़ा गर्म, और वैसे भी आज जो मैं खाना बना रही हूँ वो ठंडा होने पे अच्छा भी नहीं लगेगा। उधर बन रहा, देखो दिखाती हूँ बैक कैमरा से। तो आज जो है सैटरडे है, तो सैटरडे को ज़्यादातर मैं खिचड़ी ही बनाती हूँ, सैटरडे को खिचड़ी खाना चाहिए। तो खिचड़ी के साथ में इधर प्लेन सिंपल वाला चोखा, थोड़ा सा जल भी गया, ये तो वीडियो के चक्कर में क्या क्या नहीं होता है। तो ये है प्लेन सिंपल चोखा, इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन प्याज एंड ग्रीन चिली डाला और कुछ नहीं डाला। इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी अभी, एंड देन प्लेन खिचड़ी अभी मैंने बनाया है सिंपल, अभी इसको तड़का लगाना बाकी है, और थोड़ा हार्ड भी, मतलब थोड़ा इसको ज़्यादा थिक है, थोड़ा पानी भी डालना होगा, तो इसको तड़का लगाना बाकी है। तड़का में वही प्याज लहसुन अदरक जो होता है, ग्रीन चिली वगैरह, ये सब दे के तड़का लगाऊँगी। एंड देन इसके साथ खिचड़ी चोखा के साथ तो दही अचार पापड़ जो होता है वो सब तो हो गई। तो बस आज का यही हमारा सिंपल सा खाना है। अब ये खाना जब ठंडा हो जाता है ना तो और बेकार लगता है, वैसे भी खिचड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ठंडा होने के बाद तो और भी बेकार लगता है। तो चलिए पहले मैं ये रेडी कर लेती हूँ, चोखा अंदर से चल भी रहा है वीडियो बनाने के चक्कर में। तो चलिए पहले मैं खाना रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए हैं, एंड वो आते आते देख के पूछते ये क्या कर लिए। मैं बोली कि थोड़ी देर के बाद मैजिक होगा, देखिएगा मैं सुंदर दिखूंगी, थोड़ी देर के बाद मैं सुंदर बन जाऊंगी। तो बोले ब्लैक ब्लैक क्या कर लिए, जल्दी हटाइए, थोड़ा सुंदर बनना है इसलिए सब करना पड़ता है। तो चलिए खाना हो ही गया रेडी मेरा, अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि टाइट हो रहा है, अब इससे ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगी। ये देखो कैसा ब्लैक ब्लैक लग रहा है ना, चलिए इसको हम वॉश कर लेते हैं। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you-
ये देखो फेस कितना क्लीन लग रहा है ना, देखने से क्लीन लग रहा है। मैं इसको वाइप करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका रिजल्ट। मैं अभी फेस को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, पोंछ ली हूँ, फिर आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ। देखो कितना क्लीन लग रहा है मेरा फेस, सामने से मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत स्मूथ एंड हल्का लग रहा है स्किन, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्लीन हो गया, एकदम साफ हो गया है। ये देखिए कैसा लग रहा है। ये देखिए ये फाइनल जाना, थोड़ा सुंदर लग रही है। हाँ कुछ भी क्यों सुंदर लग रही है बताइए, क्या कुछ क्या अलग लग रहा है? सुंदर है ये तो सुंदर लग रही है। नहीं तो फेस में क्या अलग लग रहा है? अंदर में खाइए, अंदर में खा के सुंदर बनी है, बाहरी सुंदरता से नहीं होगा। बस के खाइए टाइमली, जब तक नहीं हो जाए। अब देखो मोटी नहीं होंगी तो क्या होंगी, ऐसा हस्बैंड जिस करेगा। मैं स्किन के लिए पूछ रही हूँ की स्किन मेरा थोड़ा साफ हो गया आपका, खाना अभी नहीं हुआ। मैं स्किन के लिए पूछ रही हूँ क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बोला सुंदर है ही है तो सुंदर लगेंगे ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ अब बोले कस के खाइए, अंदर से सुंदर होना चाहिए खा पी के। अब मैं मोटी नहीं होंगी तो मैं कैसे पतली होंगी बताओ, मैं कितना भी प्लानिंग कर लेती हूँ और ऐसा हस्बैंड होगा वो तो मोटी होगी। तो चलिए ये है रिजल्ट। अब मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ क्योंकि विदाउट मॉइस्चराइजर तो मैं नहीं रह सकती, ड्राई हो जाते हैं इसकी। हाँ खाती हूँ, ठीक है थोड़ी देर बाद मिलती आप लोग। और चलिए अभी हम लोग, अभी शाम का टाइम है, 6:45 हो रहा है, 5:30 हो रहा है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। किचन में कोई भी सामान नहीं, यार थोड़ा ज़्यादा ही गोरी लग रही हूँ, बहुत वाइट लग रहा है फेस। तो किचन में कोई भी सामान नहीं है, नया मंथ आ चुका है। आज तो कितना तारीख हो गया, 4-5 तारीख हो गया, 4 तारीख हो गया मैं भी आज। तो किचन का सामान ग्रोसरी लेने जा रहे हैं हम लोग मेट्रो। एंड ये मास्क सच में बहुत इफेक्टिव है, ये मास्क में सब कुछ अच्छा है, बस एक चीज़ ख़राब है, ये कच्चा अंडा का बहुत घटिया स्मेल आता है, बहुत गंदा स्मेल आता है, बस यही एक ख़राब है। बार बार ये मास्क सच में बहुत इफेक्टिव है। देखो वैसे तो मैं थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगाई हूँ, रेडी हुई हूँ, लेकिन वैसे भी ये लगाने के बाद बहुत फ़र्क पड़ा है। तो चलिए जल्दी जल्दी से चलते हैं, ग्रोसरी लेके आते हैं। चलिए बैठ। और हेलमेट बाल ऐसे बंधा है ना मैंने, तो इसलिए मैंने हेलमेट नहीं लिया है। अंदर अंदर जाएंगे, भीतर भीतर जाएंगे। सिर्फ इन्होंने लिया है हेलमेट, हम लोगों ने नहीं लिया है। ये हेलमेट पहनने का एक तो कि गर्मी, ऊपर से बाल बांधने के बाद हेलमेट नहीं पहन पाते। बैठ जाओ, चलिए चलते हैं। और बाबू का मूड सही नहीं क्योंकि पूरा नींद में था, सो रहा था, और इसको हमने उठा दिया। मेट्रो जाना, इसको छोड़ के भी नहीं जा सकते, वहाँ तो टाइम लगता है ना, पूरा खराब है। और हम लोग पहुंच गए मेट्रो में, अभी पार्किंग में ही है। और घर से इतना खुशी खुशी निकली थी, आज का दिन ही खराब निकला। मतलब कभी भी चेकिंग नहीं होता, जिस तरफ से हम लोग आते आए हैं ना वो एकदम अंदर अंदर है, पीछे घर के पीछे से ना, कभी भी चेकिंग नहीं होता। और आज चेकिंग हो रहा था, एक जगह नहीं 3-4 जगह पे हो रहा था, हर क्रॉसिंग पे चेकिंग हो रहा था। हमारा 1000 रुपीज ले भी लिया, ऊपर से बहुत मूड ख़राब हो गया यार। चलो ठीक है कोई ना, चलिए पहुँच गए, अभी अंदर चलते हैं। अंदर तो वीडियो लेने नहीं देता, बनाने नहीं देता, देखती हूँ कितना होता है हो पाता है। देखो इतना बड़ा बिल्डिंग। चलिए अब अंदर चलते हैं। और अभी सबको भूख लगी थी तो ये बाहर में ही वाओ मोमो है, चलो एक मंगवाते हैं। अगर सेम मोमो हाथ में नहीं आ रहा, पकड़िए जाना, पकड़िए दिल दिल गिर क्या मैं कुछ और दे रहा। ये लीजिए बिल उठाया आपने, देखिए क्या है, ये बर्गर है ना, वो बर्गर के ये बर्गर, यहाँ का बर्गर कैसा होगा? और ये सेजवन ना, tell me what's wrong and why you never said you felt that way, and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts.
hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. हमने बर्गर और मोमो खाया, बहुत अच्छा लगा. अपना फिटनेस उतार रहे थे, बहुत दुखी हो गए थे ना, हमसे 1,000 रुपया ले लिया पुलिस, इसलिए अपने दुख को कम कर रहे थे खा खा के. अब चलते हैं अंदर, टाइम भी काफ़ी चला गया है, अब ये अंदर चलते हैं, शाम हो गई है. बाबू बैठ के यहाँ पे आराम कर रहे हैं, मम्मा शॉपिंग कर रही है. नीचे क्यों बैठे हैं, उठिए बेटा. और है क्यों छनवन छनवन कर रहे हो, हाँ नीचे बैठा है, अब दाल लेना होगा. क्या यहाँ आराम कर रहे हैं आप, ये लीजिए ये सब दाल है ना, ये चीनी 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 जल्दी लीजिए, बहुत भारी है ना ये, रखिए ये वाली ये दे दे, ये वाली ये ले लो ना, ट्रॉली किधर है, और चाय पत्ती चेंज करके देख रहे, पता नहीं ये कैसा है. चलिए तो चलिए, ग्रॉसरी शॉपिंग डन, ये रहा, और अब चलते हैं बिलिंग पे लग जाते हैं. आज है भीड़ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए बिल करवाते और निकलते हैं. बारिश हुई है, देखो बारिश हुई है, हुई है. अच्छा तो चलिए, अभी हम लोग आ गए मेट्रो से, एंड बारिश भी हुई थी बाहर, अंदर जब हम लोग थे पता ही नहीं चला, जब बाहर निकले तो पता चला पूरा रोड सब गीला था, तो बारिश भी हुई है, इधर भी हुई है, और काफ़ी टाइम हो गया. हम लोग तो गए थे तो 5:30-6 हो रहा था ना, तब बताई थी ना, और अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, ओह अभी टाइम हो रहा है 10:09 हो रहे थे, तो काफ़ी टाइम हो गया, इतने 4-5 घंटे हो गए, बहुत टायर्ड हो गई हूँ मैं. एवरी सैटरडे ना सर में तेल मसाज करवाती हूँ, मेरा रूटीन मतलब करती हूँ, एवरी सैटरडे तेल मसाज करवाती हूँ हस्बैंड से, ये हमेशा यही कर देते. मेरे जो बालों का कंडीशन थोड़ा ठीक हुआ है ना, और थोड़ा सा लंबा भी हुआ था बाल, तो मैंने बार बार कट करके छोटा कर लेती हूँ, तो बस हस्बैंड का उसमें सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो हम हर वीक के सैटरडे को बहुत अच्छे से 1 घंटा तक मेरा सर का मसाज करते हैं ऑयल नारियल तेल से, एंड संडे वाला दिन मैं शैम्पू करती हूँ. आज भी बाड़ी था मसाज का, बट वो बेचारा आए थे आज इस ऑफिस से आते ही, फिर मेट्रो निकल गए, एंड मेट्रो में कंटिन्यू बहुत चलना पड़ता है बहुत, तो अभी बैठने का कोई उपाय नहीं, तो बहुत टाइट हो जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है, और सुबह से बाहर बाहर ही है, थके हैं, तो आते ही सो गए वो, तब लेट गए, तो आज तो मसाज नहीं हुआ. एंड हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और ये देखिए मैं ना आई ना टायर्ड होके, तो बाबू वैसे ये कर देता है बहुत टाइम पहले से, ये चाय भी बना, मैगी भी बना देता है, सैंडविच भी, हाँ तो ये चाय भी बना देता है मेरे लिए, आज फर्स्ट डे नहीं है, बहुत पहले से करता है ये, बट मैं कभी भी कैमरा पे नहीं दिखाई थी, बट आते आते आज देखा कि मम्मा टायर्ड है नहीं कर पाएगी कुछ, तो आते आते बेचारा किचन में सॉस पैन मेरा धोया भी नहीं हुआ था, क्लीन भी नहीं था, सुबह कैसे ही था, सब कुछ खुद से धो के मेरे लिए चाय बना रहा है, एंड बोला है किचन में मत आइएगा मम्मा, लेकिन मैं थोड़ा सा आके रिकॉर्ड कर ली. और ये सिर्फ चाय ही नहीं, इधर देख बेटा, सिर्फ चाय ही नहीं, ये प्लेन वाला मैगी भी बना देता है, एंड सैंडविच, और एक दिन तो मैं वो सब डाल के सैंडविच भी बना दिया था. मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. बेटा कम कर दीजिए, मैं इसको इतना मना करती हूँ कि गैस के पास नहीं आने, गैस का काम नहीं करने, बट ये सुनता ही नहीं है. मम्मा चाय मैं बनाऊंगा, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा. चलिए मैं भी इधर ही रहूंगी जब तक नहीं बन जाएगा. और मेरा बेटा इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, सच में आज फर्स्ट डे नहीं है, ये बहुत पहले से मेरे लिए चाय बनाता है, बट मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है, बहुत मुझे खुद अच्छा नहीं लगता और लगता है, और प्लस अभी गैस के पास इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि इसको गैस के पास आने दूँ, और
ये सब काम करेगा, पढ़ाई कर ली, पढ़ाई लिखाई कर ली, ये बहुत है तो, बट ये करता है, बहुत करता है। पता है कभी कभार बर्तन भी धो देता है, कुछ कुछ होता है ना जो मैं बीमार रहती हूँ और झाड़ू भी हाँ सच में ये सब कभी कभी झाड़ू भी मार देता है घर में जितना कर पाता है क्या हो बेटा। और कभी कभी प्लेट्स वगैरह भी धो देता है। अभी भी चाय जो बना रहा है ना सॉस पे नहीं धुला हुआ था, सुबह कैसे ही पड़ा हुआ था, पूरा बर्तन धो के तब चाय बना रहे हैं। बेचारा हमेशा कर देता है, मैं इसके पास ही रहती हूँ, गैस के पास अकेले तो नहीं छोड़ती हूँ। तो चलिए मेरा बच्चा मेरे लिए चाय बना रहा है, और अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि अभी लेट नाइट भी हो गया है। एंड हो गया, बन गया, ये देखिए छान के लिए भी ले आया, मैं सोची चलो बॉयल हो रहा है मैं जाके छान लूँगी, देखो छान के भी ले आया मेरा बच्चा। गॉड ब्लेस मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू यार, लाखों करोड़ों दुआएं मेरे बेटा को। रख दो बेटा, रख दीजिए, तो यहाँ पे रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा होगा फिर पीऊँगी, रख दीजिए, थैंक यू। मेरा बच्चा ऐसे ही करता है, बहुत बहुत तेल साइड में भी ऑयलिंग कर देता है हमेशा, जितना देर में आधी रात में भी उठ के इसको बोलूँ ना कि पाँव में दर्द हो रहा दवा दो तो ये कर देता है। अब कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, रस्क लेके आया मेरे लिए। अच्छा ठीक है बेटा, रुक जा लेती हूँ, खुश हो गया बच्चा मेरा। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। हाँ, और लास्ट में एक और बार बोलूँगी, मतलब रिपीट सोचेंगे बार बार रिपीट करिए एक ही बात को, बट सच में अच्छा था इसलिए बोल रही हूँ। वाकई में आज जो मैंने मास्क यूज़ किया है बहुत इफेक्टिव है, अभी तक मेरा फेस इतना अच्छा लग रहा है ना, मिरर में देख रही हूँ तो आज मेरा फेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, ऐसे एवरी डे ऐसा नहीं लगता। आज जो मैंने किया है ना वो मास्क सच में इफेक्टिव है, आज बहुत अच्छा लग रहा है फेस मुझे, आईना में कैमरा में एक जैसा ही लगता है एवरी डे, बट मिरर में रियल में सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और उस टाइम पे जो मैंने आलू क्रश किया था ना, मतलब ग्राइंड किया था, और ये देखो अभी तक मैंने फेंका नहीं, इसका क्या हालत हो गई, काला काला आलू तो ब्लैक हो जाता है ना। सब करना है अभी, रात का खाना का सोचना है, बहुत कुछ करना है, अभी चेंज भी नहीं किया, सिर्फ नीचे का किया, ऊपर का चेंज भी नहीं किया। सोची वीडियो पहले एंड कर देती हूँ, उसके बाद फिर आराम से करूँगी। तो चलिए ओके, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। एंड हाँ, अगर वीडियो बुरा नहीं लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके बाय बाय।